राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो गोहाना से अरविंद शर्मा चुनावी मैदान में रहे और इस दौरान जीत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया गया, कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। महिपाल डांडा भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इसके अलावा विपुल गोयल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अनिल विज भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। बीजेपी की हैट्रिक हरियाणा में, और ऐसे में नायब सिंह सैनी ने जहां मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली, वहीं अनिल विज, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा, विपुल गोयल, राव नरवीर सिंह, ये तमाम ऐसे नाम जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। महिपाल डांडा ने मंत्री पद की शपथ ली है। गोहाना से चुनावी मैदान में अरविंद शर्मा थे और अब कैबिनेट मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं।